सो गाइस, आज की राइड बहुत ही बेकार चल रही है यार। शू की भी वाट लग गई और पेंट की भी वाट लग गई। बहुत बेकार रास्ता है यार इधर आने की। था मेरे को प्रॉब्लम क्या है तेरी? अभी ना लोग स्वेटर पहन पहन के घूम रहे हैं और मैं यहाँ पसीना पसीना हो रहा हूँ। अलग ही चल रहा भाई अपना सिस्टम। तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हाल चाल, आई होप कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। सो आज के वीडियो में मैं जा रहा हूं फिर से एक और नई राइड पर, और कहां पर जा रहा हूं वो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। वैसे एक रोड सोच रखा मैंने, अगर वहां पर जाता हूं तो जरूर से बताऊंगा। तो अभी स्केट पहन लिए हैं और निकलते हैं। सो गाइस यार, अभी भर दोपहर में निकला हूं लेकिन मौसम के कारण ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग में निकला हूं। तो आज थोड़ी वीडियो क्वालिटी भी कमजोर आएगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि धूप वगैरह नहीं निकली है। लेट्स गो, निकलते हैं, कहां का रास्ता है देखते हैं। तो यहाँ से जाना है मुझे लेफ्ट। अगर ये रोड की शुरुआत ही गलत होगी तो यार मुझे इधर जाना है, लेकिन स्टार्टिंग में इतना बेकार रास्ता आ गया, आगे पता नहीं कैसा होगा। यहाँ तो अच्छा लग रहा है भाई रोड। अबे बाकी आंख, चांद पे आ गया भाई मैं। क्या रोड है बे, रोड ही खराब है। अबे सब दूर गीला गीला है भाई, आगे कैसे निकलूंगा। शिट यार, वाट लगने वाली है यार इस रोड पे। तो आज मेरे स्केट की वाट लगेगी सब दूर। सो गाइस यार, आगे इतना ज्यादा कीचड़ वाला रास्ता है ना कि वहाँ पर जाना पॉसिबल है ही नहीं। एक बार सूखा रहता तो मैं चले जाता, लेकिन इतना खराब रास्ता है कि जा ही नहीं पाऊंगा। सो गाइस देखो यहाँ पर रास्ता कितना बेकार है, यहाँ पर स्केट तो जाने वाले है ही नहीं। यहाँ पर थोड़ा सूखा है लेकिन आगे जाऊंगा तो वहाँ कीचड़ मिल जाएगा, तो वैसे कीचड़ में जा नहीं सकता हूँ। तो यार दूसरी कोई चॉइस नहीं है, तो यहाँ से रिटर्न ही निकलना पड़ेगा, आगे जाने से तो रहा यार। लेट्स गो, चलते हैं अब उसी खराब रास्ते से, चांद जैसे रास्ते से वापस। नहीं आना था भाई इधर, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर तो स्केट ही फिसल रहे मेरे। विशाल स्केटर, मेरे को खींच लेगा, थोड़ा कच्चे में खींच लेगा, खींचना जरा, ये ताकत है। चलो भाइयों ने लिफ्ट दे दी है, देखना जरा साइड से निकलना। खींच ले। अरे तू, बहुत बेकार रास्ता है इधर आने की। था मेरे को राव, में राव। चल थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत बेकार रास्ता था, देखो यार पूरे टायर की वाट लग चुकी है और मेरे पेंट की भी छीटे उड़ चुके पूरे। तो वही यार, इस रोड पर स्केट करने से अच्छा पैदल चलना ही है, पैदल चलते हैं। उधर जाने नहीं था पहली बात तो मुझे, इस रोड पे बाद में आऊंगा ही नहीं कभी यार मैं, इतना बेकार रोड था ना, वाट लगा दी मेरी। पैदल चल के जाना पड़ रहा है, स्केट पहन रखे फिर भी। सही में देखा है, वीडियो देखा है? हाँ देखा है। कहाँ, क्या नाम है? विक्रम बामनिया। विक्रम बामनिया, अबे चैनल का नाम पूछ रहा। इसने उपेन जोगी जैसा काम कर दिया भाई, तेरी माँ की आंख। यहाँ पर गड्ढे है ना तो बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर उसी चौराहे पर वापस आ गया, राव रंगवा साथ चौराहे पे। ए हट जा, इतनी ठंड के दिनों में भी पसीना आ गया भाई। अब चलते हैं केट स्क्वायर तरफ। मैं केट स्क्वायर तरफ क्यों जा रहा हूँ मुझे ही नहीं पता है, बस अब राइड में निकला था तो पूरी राइड करनी पड़ेगी, थोड़ा घूम फिर के आएंगे। सो गाइस यार, मैं उस रोड को एक्सप्लोर करूंगा करके निकला था, लेकिन वो रोड एक्सप्लोर करने लायक भी नहीं है। अभी मुझे भागते हुए जाना है और रोड खाली नहीं हो रहा है, गाड़ियां आए जा रही। टू व्हीलर आए तो चल जाता है, फोर व्हीलर आती थोड़ा ध्यान रखकर चलना पड़ता है। पेट्रोल पंप आ गया, पानी पी लेते भाई। फिर आया जानी दुश्मन, आ जा भाई आ जा, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है तेरी? बैगन। दोस्त बन जा यार, बन गया। तो हट जा। तो गाइस पानी पी लिया और अब निकलते हैं आगे केट स्क्वायर की तरफ। तो वो डॉग ना मुझे हर बार भुगता था, लेकिन इस बार उसको थोड़ा हाथ फेर दिया तो इतना कुछ
पीछे पड़ा नहीं वो। और इसका साथी जो था वो सफेद वाला कुत्ता जो मेरा दोस्त बन गया था, एक घोड़ा था मेरे साथ में रेस लगाया था, वो पता नहीं कहाँ पे। तो अभी फाइनली पहुंच चुका हूँ केट स्क्वायर पे। यहाँ से किधर जाऊँ यार, राजवाड़ा तरफ तो जाने वाला हूँ नहीं मैं जाऊंगा रेती मंडी स्क्वायर। इधर के रोड की भी वाट लगी पड़ी है। तो गाइस यार रोड तो पहले ही खराब था और ऊपर से पानी गिर गया ना, इसकी और वाट लगा दी इनने। तेरी माँ की आँख। तो यार आज मेरा मन तो नहीं था कि मैं स्केटिंग पर जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं आ गया मन मार के। मन की सुन लेता तो अच्छा रहता, अब ऐसे रास्ते पर स्केट करना पड़ रहा मुझे। बहुत मुश्किल से चल रहा हूँ भाई यहाँ पर, स्पीड स्केटिंग तो छोड़ी दो। मेरे पेंट और स्केट दोनों की वाट लगेगी। अरे यार तो यार अभी आ चुका हूँ रेती मंडी स्क्वायर पे, और यहाँ से किधर जाऊँ सोचना पड़ेगा अब, कुछ डिसाइड करके निकलो तो सही रहता यार। सुबह इस देखो यहाँ पर पूरे शू की भी वाट लग गई और पेंट की भी वाट लग गई है, ये सब हुआ है वहाँ कीचड़ में चलाने से। तो भाई जो हो वो अब गंदा हो गया तो हो गया, आप कहीं कर नहीं सकते हैं। अब निकलते हैं, राजन नगर तरफ तो नहीं जाने वाला, उधर का रोड बहुत बेकार है, तो इधर चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा स्पीड स्केटिंग करने को भी मिल जाएगा। खाली रोड पे मजा आता भाई स्केटिंग करने में। ओहो भयंकर। सो गाइस यहाँ से मैं जाने वाला हूँ, आगे तो नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे मुझे बहुत बेकार रास्ता दिख रहा है, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से राजेंद्र नगर ओवरब्रिज, उधर ही सही रहेगा क्योंकि उधर गया हूँ मैं, रोड भी बड़ा मस्त है और मजा भी आएगा। ये आ गया भाई राजेंद्र नगर ओवरब्रिज का रोड। यहाँ पर भी वाट लगी पड़ी है भाई रोड की। ये आ चुका भाई अपना ब्रिज, चलते हैं ब्रिज पे। अब ब्रिज चढ़ने में अलग वाट लगने वाली है। तो भाई फाइनली चढ़ चुका हूँ ऊपर ब्रिज के ऊपर, बहुत मुश्किल से चढ़ा हूँ। अभी यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा तो समझेगा। सो गाइस आज की राइड बहुत ही बेकार चल रही है यार, वहां से यहाँ तक आया हूँ ना अभी तक तो बहुत बेकार ही लगी है। बीच बीच में अच्छा रास्ता था लेकिन वहां पर भी अच्छे से स्केटिंग हुई नहीं। अब देखते हैं आगे किसी का राइड जाती है, आधी राइड तो हो चुकी है और अब यहाँ से कहाँ पर जाऊँ कंफ्यूज हूँ मैं। इधर जाऊंगा तो इधर खराब रास्ता मिलेगा, ये जाएगा लास्ट बार मेरे को कुत्ते भगाए थे ना वही रास्ता है, अन्नपूर्णा का रोड है, इधर नहीं जाऊंगा मैं। सोच रहा हूँ यहीं से रिटर्न कर लेते हैं, तो यहाँ से चलते हैं मेन रोड पर और वहां से रिटर्न निकलते हैं घर की ओर। हाँ भाई देखते हैं, देखते हो वीडियोस, क्या बात कर रहे हैं। हाँ विशाल स्केटर भाई, फैन मिल गया अपना। तो भी एक सब्सक्राइबर भाई मिल गया था, वो मेरे वीडियोस वगैरह देखता है बोला था, तो अच्छा है आसपास के लोग भी मुझे पहचानने लगे हैं। सो गाइस चलते हैं यूटर्न और लेते हैं यूटर्न, चलते हैं घर। आ गया भाई मेन रोड, मजा आ गया भाई उतार में। तो आज कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक ट्रैफिक लग रहा है मुझे। तो मेन रोड पर चलने में थोड़ा मजा आता है फ्री माइंड से, क्योंकि इधर सामने से गाड़ियां बहुत कम आती है। ₹50 कट ओवर एक्टिंग के। पेट्रोल पंप आया, पानी पी लेते हैं भाई।
दूसरी बार पानी पीऊंगा। घूम फिर यही पे आना होता है हर बार। सो गाइस यार अभी ना लोग स्वेटर पहन पहन के घूम रहे हैं और मैं यहाँ पसीना पसीना हो रहा हूँ। अलग ही चल रहा है भाई अपना सिस्टम। तो गाइस यार आज की राइड मुझे कुछ जमी नहीं रही है, बहुत बेकार है यार, क्योंकि पानी गिर गया तो सभी रोडों की हालत खराब है। यहाँ पर भी पूरा कंकड़ कंकड़ हो रखे हैं। स्पीड में स्केटिंग करने का सोच रहा हूँ लेकिन कहीं अटक गया ना तो अच्छा खासा फीका जाऊंगा मैं। इसको क्या हो गया, टायर ही टूट गया उसका। स्पीड ब्रेकर लगा दिए यहाँ। तो वही राव में भी एक और फैन मिल गया। राव में देखो ऐसा, चलो ठीक है मिलते ना। राव में भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। ऐसे खराब रास्ते से कैसे निकले यार, स्पीड ब्रेकर बना दिए इधर, रोड नहीं बनाया। तो गाइस फाइनली आज की राइड मेरी खत्म हो ही गई और आज की राइड बहुत ही ज्यादा पकाने वाली राइड थी। जिस रोड पे जाने वाला था वो रास्ता ही बहुत बेकार निकला और वहां पर स्केट कर ही नहीं पाया। तो जिस रोड पर मैंने स्केट कर चुका था उसी रास्ते पर जाकर और घूम करके आ गया मैं। तो रेगुलर रोड पे ही जाना मैं पसंद नहीं करता यार, अब मैं बोर हो चुका हूँ एक ही रोड पर स्केट कर करके। तो नए रोड की तलाश में गया था लेकिन वो खराब निकल गया। तब कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं कोई दूसरा रोड वगैरह मिल जाए तो। और पानी गिर गया था तो रोड की हालत बहुत बेकार थी तो कीचड़ में चलाने पड़े। और अभी मैं आपको मेरे शू और पेंट की हालत बताता हूँ कैसे क्या हो रखे हैं। देखो शू की क्या हालत हो रखी है, पूरे कीचड़ वाले हो रखे हैं और इसमें मिट्टी वगैरह भी घुसी गई होगी बेयरिंग्स वगैरह में। इस शू की भी हालत देखो, पेंट की देखो भाई, पेंट कैसा क्या हो रखा है, पूरी वाट लग चुकी है पेंट की। तो अभी घर जाके शू भी क्लीन करने पड़ेंगे और पेंट भी धोना पड़ेगा। तो आज की राइड को कैसी लगी बताना जरूर कमेंट में। मेरे लिए तो बहुत ही बेकार थी लेकिन आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, ब्लॉगिंग करते हुए या फिर इसी तरह से किसी नए रोड पर राइड जाते हुए। बाय गाइस।